A very good morning everyone and welcome to Kids 7 Public School online classes. This is your English class and today we are going to learn about noun numbers, singular and plural. Okay, chapter number 5 in your English highlight grammar book. To start karte hain, chapter 5 noun numbers. Look at the pictures and read the sentences given below. Just niche picture di hui hain, inko dekhte hain and jo sentences hain unko padhte hain. Bring me a pizza. Look, there are two ponies. Many people travel by bus. Here in this sentences, the words a pizza stands for one pizza. Two ponies stands for more than one pony. Many people stands for more than one person. अब देखो यहाँ पर जो sentence है इनमें क्या है, a pizza यानी कि हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर एक pizza है, ठीक है. Two ponies यानी कि स्टैंड फॉर मोर देन वन पोनी, एक से ज़्यादा पोनी, ठीक है. एंड मैनी पीपल यानी कि एक से ज़्यादा जो है वो पर्सन है, ठीक है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स. अ काइट, एक पतंग. टू काइट्स, दो पतंग, ठीक है. ए वॉच, एक घड़ी. एंड फोर वॉचेस, चार घड़ियाँ. ए लेडी, एक औरत. एंड टू लेडीज, दो औरतें, ठीक है. थस वन पर्सन और थिंग मीन्स सिंगुलर. तो एक व्यक्ति या फिर जो एक चीज़ होती है वो कहलाती है सिंगुलर. मोर देन वन पर्सन और थिंग्स मीन प्लूरल और प्लूरल. और एक पर्सन या फिर एक से या फिर जो एक पर्सन से ज़्यादा या एक से ज़्यादा जो चीज़ होती है वो कहलाती है प्लूरल, ठीक है. वी कैन चेंज सिंगुलर नाउन्स इन टू देयर प्लूरल फॉर्म्स इन मैनी वेज. हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर जो नाउन होते हैं उनको हम अलग अलग तरीके से प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं. वी एड एस टू मोस्ट नाउन्स टू फॉर्म प्लूरल्स. प्लूरल्स देखो अब क्या होता है, मोस्टली जब हम लोग इसको चेंज करते हैं ना सिंगुलर को प्लूरल में, तो हम लोग एस लगाते हैं. फॉर एग्जांपल कार, एक कार हो गई और कार में हमने एस ऐड किया, कार्स बन गया यानी कि बहुत सारी गाड़ियाँ, ठीक है. पेंसिल, एक पेंसिल और पेंसिल्स, बहुत सारी पेंसिल हो गई. फ्लावर, एक फूल. फ्लावर्स, बहुत सारे फूल. टीचर जो है, एक एंड टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स, ठीक है. Let's revise. Add s to the following nouns to form their plurals. ठीक है. Balloon, balloons. Shirt, shirts. Desk, desks. Friend, friends. Office, offices. Building, buildings. Elephant, elephants. Book, books. Okay. We add es to some nouns that end in o, s, ss, sh, ch, and x to form their प्लूरल्स. अब क्या होता है कि देखो कुछ नाउन्स जिनके एंड, जिनके जो एंड में ओ होता है, एस होता है, या डबल एस होता है, या एस एच होता है, सी एच होता है, या एक्स होता है, तो हम उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए उनमें ई एस लगाते हैं, ठीक है. जैसे कि मैंगो, मैंगो के लास्ट में क्या है, ओ, तो हमने इसमें क्या लगाया, ई एस. मैंगोज. हीरो, हीरोज. बुश, बुशेज. चर्च, चर्च, ठीक है. लेट्स रिवाइज. द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर्स बिलो आर इधर वन मोर देन वन. सर्कल द करेक्ट नाउन्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स. अब देखो यहाँ पर जो है पिक्चर दी हुई है एंड आपको यहाँ पर जो है वो आपको जो है आपको टू वो दिए हुए हैं, ठीक है. अब आपको इसमें वो पॉइंट आउट करना है जो कि पिक्चर के अकॉर्डिंग है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर देखो एक चर्च है, तो हमने इसको यहाँ पर सर्कल किया खाली चर्च को, चर्च नहीं, चर्च को, ठीक है. उसके बाद हम देखो बेंच देख रहे हैं, एक ही बेंच है, तो हमने बेंच को सर्कल किया. ब्रश, यहाँ पर टू ब्रश हैं, तो हमने ब्रशेस. उसके बाद फोर्थ है हमारा डिशेस, ये एक से ज़्यादा है ना, तो हमने इसमें किसको सर्कल किया, डिशेस को, ओके. फिफ्थ है हमारा ड्रेस. अब देखो यहाँ पर दो ड्रेस हैं, तो हमने यहाँ पर ड्रेसेस को. ऐसे ही सिक्स में है पोटैटो, दो पोटैटो हैं, पोटैटोज. सेवन में वन गिलास है, तो फिर गिलास को किया. एंड एट में जो है वो टू बॉक्स हैं, बॉक्सेस, ठीक है. चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल. अब यहाँ पर जो है आपको इनको चेंज करना है प्लूरल में. मैच, मैचेस. ज़ीरो, ज़ीरोज. हीरो, हीरोज. बेंच, बेंचेस. बीच, बीट्स. ट्रक, ट्रक्स. बुश, बुश. एंड टोमेटो, टोमेटोज. ओके. नाउन दैट एंड इन वाई, वो नाउन जिनके एंड में वाई होता है. If the letter before the Y is a consonant, change the Y to I and add ES. देखो अगर कोई letter है जिसके last में जो है Y आता है, ठीक है,
सॉरी, अगर कोई देखो नाउंस है, ठीक है, और उसके लास्ट में जो है वाई है, बट वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम उस वाई को आई में जो है चेंज कर देंगे और उसमें ई एस लगा देंगे, ठीक है। देखो जैसे बेबी है, बेबी है, बेबी के लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई से पहले बी क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें, आई ई एस लगाया, बेबीज़। ऐसे फेरी, फेरीज़, सिटी, सिटीज़, ठीक है। इफ़ द लेटर बिफोर द वाई इज़ अ वोवल, जस्ट एड एस। और अगर अगर कोई वाई से पहले कोई जो लेटर है वो वोवल है, वोवल क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, अगर इन पांच में से कोई भी है वाई से पहले तो हम सिर्फ उसमें एस ऐड करेंगे, जैसे कि टॉय, टी ओ वाई, टॉय, ठीक है। इसके लास्ट में क्या है टॉय के, वाई, और वाई से पहले जो वर्ड है, लेटर है, वो क्या है, ओ, ओ क्या है हमारा, वोवल। तो हमने इसमें ओनली क्या ऐड किया, एस, टॉय, टॉयज, बॉय, बॉयज, एंड की, कीज़। ओके, अंडरस्टैंड। अब है लेट्स रिवाइज, आपकी डी एक्सरसाइज है, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स। अब आपको देखो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, आपको इनको आपको चेंज करना है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। विशाखा, प्लक्स, डेजीज एंड लिलीज फ्रॉम द गार्डन, ठीक है। देयर आर टू बेबीज इन द क्रेडल, आर कॉपीज वर लेफ्ट बिहाइंड इन स्कूल, द लेडीज हैड द कीज ऑफ देयर कार्स। फिर आपका फिफ्थ, महिमा हैज बीन टू फाइव सिटीज विद दिस ट्रू, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सिक्स है आपका, लेडीज लाइक टू वियर ऑर्नामेंट्स, द चिल्ड्रन रिसीव फ्री टॉयज ऑन क्रिसमस, वी सा फोर डंकीज एट द फॉर्म, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि सिंगुलर को हम लोग जो है प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड वेल। फिर भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इस वर्क को आप अपनी जो इंग्लिश ग्रामर बुक है उसमें आप फिल करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।